ईशान किशन के दोहरा शतक जड़ने के बाद स्मृति मंधाना ने ईशान किशन के घर भिजवाया अपना रिश्ता। तो दोस्तों, क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी ईशान किशन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरा वनडे मैच 10 नवंबर को खेला गया, जहां ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 131 गेंदों में 24 चौकों और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 210 रन की तूफानी पारी खेली, जिसके बाद भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना से रहा नहीं गया और स्मृति मंधाना ने बोल दिया ईशान किशन को आई लव यू। दरअसल दोस्तों, मैच के बाद एक टीवी शो के दौरान स्मृति मंधाना से यह पूछा गया कि आपको ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर कैसा लगा, जहां स्मृति मंधाना ने बताते हुए कहा कि ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर मुझे बहुत मजा आया और ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से बल्लेबाजी की है वह काबिले तारीफ है। भारतीय युवा क्रिकेटर में ईशान किशन मेरे फेवरेट प्लेयर है और मैं उनको लाइक भी करती हूँ। अगर मुझे उनसे शादी करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर कर लूंगी। दोस्तों, स्मृति मंधाना के इस बयान के बाद यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और पहले भी ईशान किशन और स्मृति मंधाना की शादी को लेकर खूब सुर्खियां वायरल हो रही थी। लेकिन दोस्तों, स्मृति मंधाना ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है कि वह ईशान किशन से प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन को स्मृति मंधाना से शादी कर लेनी चाहिए या फिर नहीं?